नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त फिल्टर न्यूज लाइव और मैं हूँ एसी खान। दोस्तों अभी हम कंशारा में मौजूद है जो कि श्रीनगर से 15 से 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आने का मकसद है यही क्योंकि जो यहाँ का व्यू वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग इस वक्त आए हुए हैं। लेकिन यहाँ की जो खूबी जहाँ जिसके कारण यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर कि एक पत्थर को 10-10-20 इंसान नहीं हिला सकते हैं। इसी के कारण यहाँ पर लोग देखने आते हैं कि उस जमाने में क्या था और आज क्या है, क्योंकि दोस्तों ये समझ नहीं आ रहा है कि उस जमाने में वो जिन थे इंसान, जिन लोगों ने इतने बड़े पत्थर यहाँ पर लाए आप खुद देख रहे हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप ये बड़े बड़े पत्थर दिखाएं ताकि जो व्यूअर्स है बहुत दूर से भी हमको देख रहे हैं वो भी जान सके और उनका भी मन करे यहाँ पर आने के लिए कि यहाँ पर कितने कितने बड़े पत्थर है, क्योंकि अक्ल हैरान हो जाते यहाँ पर जो ये व्यू जब हम देखते हैं। तो आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहे, हम आपको यहाँ पर दूसरी भी जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर है, दूसरी भी बिल्डिंग एक किस्म की हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं। तो कैमरामैन मेरा उनको सभी को दिखाएगा कहाँ कहाँ पर लोग हैं और वो जो आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं दूसरी जो पत्थरों की जो बिल्डिंग है वहां पर भी हम जाएंगे और वहां पर भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ का व्यू कितना अच्छा है, कितने बड़े बड़े पत्थर है, क्योंकि यहाँ का शौक यही होता है आने का कि ये यहाँ पर इतने इतने बड़े पत्थर है। तो फिल्टर न्यूज लाइव ऐसे इसी तरीके से जुड़े रहे और हम आपको वहां का भी व्यू दिखाएंगे, हम वहां पर भी जाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर दूसरी जगह पर आ गए हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कुआं जो है जो कि पत्थर में खोदा गया है, ये कुआं आप देख रहे हैं लेकिन इसमें पानी भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी इसमें बहुत सारे पॉलीथीन है, बहुत सारे जो नायलॉन के बैग से इसमें है, लेकिन यहाँ पर दिखाने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर उन लोगों की कारीगरी देख सकते हैं किस तरीके से इस पत्थर में उन लोगों ने कुआं बनाया है उस समय इस पत्थर को खोदकर। तो यहाँ पर भी इंसान की अकल जो है परेशान हो जाती है कि यहाँ पर वो इंसान कैसे थे जिन लोगों ने इस पत्थर को खोदकर कुआं बनाया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कूड़ा कचरा है कि यहाँ पर हमने देखा है कि डस्टबिन भी कुछ लगाए हुए थे वहाँ पर, लेकिन लोग सही तरीके से सफाई नहीं करते और इसको यहाँ पर कूड़ा करकट जो यहीं पर डालते हैं, तो ये गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप जो बिल्डिंग उस तरफ देख रहे हैं वहां पर जो बहुत सारे लोग हैं, तो हम वहां पर भी आपको ये व्यू दिखाएंगे कि वहां पर भी क्या है। तो आप वीडियो से बने रहे। तो नाज़रीन आप यहां पर देख रहे हैं कि जो यहां पर सबसे बड़ा जो पत्थर है, सबसे बड़ा पत्थर ये है इस कंशारा में, इससे बड़ा पत्थर और कहीं पे नहीं है। तो हम आपको और भी जगह यहाँ पर दिखाएंगे। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप दाएं बाएं जो बड़े बड़े पत्थर है ये भी आप दिखाएं ताकि आप यहाँ पर जान सके कि यहाँ पर क्या क्या है और कितने सारे लोग यहाँ पर आई हैं। कारण एक ही है कि यहाँ पर जो ये पत्थर है जो तराशे हुए है, तो लोगों की अकल हैरान हो जाती थी कि उस वक्त की न कोई टेक्नोलॉजी थी इस तरीके की, न कुछ थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने कितने बड़े पत्थर है जिनको तराशा गया है। तो नाज़रीन अब हम इस तरफ से जाएंगे, ये यहाँ पर सबसे जो पत्थरों की जो बिल्डिंग की सबसे बड़ी है, गो गो तैयार। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने कितने बड़े पत्थर है, दीवार है ये भी पूरे पत्थर के हैं। तो हम आप लोगों से आखिर में यही कहना चाहते हैं कि यहाँ का व्यू है ये बहुत ही खतरनाक है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर भी कितने कितने बड़े पत्थर है, एक पत्थर को 50 आदमी भी नहीं उठा सकते। वो उस जमाने में क्या थे इंसान थे जिन थे जिन लोगों ने इतने बड़े पत्थर उठाए हैं। और हम आखिर में इस वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। तो फिल्टर न्यूज लाइव से आप जुड़े रहे ताकि आपको हर कोई इम्पोर्टेंट और अच्छा अपडेट इसी चैनल पर मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, खुदा हाफिज़।